गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड में झारखंड ऊर्जा संचार प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा टावर इरेक्शन का कार्य चल रहा है, जिसे मजदूरी नहीं मिलने के कारण काम को बंद करना पड़ गया, जिस पर काम कर रहे मजदूरों सहित कार्य कर रहे इंचार्जों को भी कंपनी द्वारा पैसे भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे वहां काम कर रहे मजदूरों सहित कर्मचारी तंगहाली में आ गए हैं। इस पर मजदूरों और कर्मचारियों ने बताया कि टावर इरेक्शन का कार्य सितंबर 2021 से चल रहा है, जो कार्य का 40% काम हो चुका है, पर बीते 6 महीने से मजदूरों को कंपनी की ओर पैसा नहीं मिल रहा है। गुमला चैनपुर से बजरंग कुमार की रिपोर्ट। द्वारा जो टावर लगाने का काम होता है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी बताना है? ये मैनेजमेंट का मामला होता है, उससे हम लोग छोटे पद के एम्प्लॉई हैं, इससे हम लोगों का बहुत कोई जानकारी नहीं रहता है। ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर AGM GM लेवल पे ये सब डिसाइड होता है। तो देखा जाए कि यहाँ पर इतना मैनेजमेंट होने के बावजूद जी मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा है जी, और जी इसको लेकर आप भी काफ़ी परेशान जी जी, क्या कहना है इस पर? अब उसमें मजदूर परेशान हैं, उनके साथ हम भी परेशान हैं। मैंने मैनेजमेंट को सूचना दे दिया है, अभी तो कोई अस्थायी समाधान नहीं निकल के नहीं आया है। तो अभी देखा जाए कि काम यहाँ पर इसी कारण से रुका हुआ है जी। काम रुका हुआ है। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार उपाध्याय, स्टोर इंजार चैनपुर स्टोर। जो आप टावर लगाने का जो काम कर रहे हैं, आप सभी मजदूर लोग हैं, इसमें अब क्या परेशानी है और क्या आप लोग कार्रवाई करने वाले? हम लोग वही इरेक्शन का काम करते थे सर, पेमेंट नहीं मिलने का आज 6 महीना से हम लोग को पेमेंट नहीं मिला है, और वही पेमेंट नहीं मिलने कारण खाने पीने का समस्या काफ़ी है, मैंने घर का बीवी बच्चा का समस्या काफ़ी है, बच्चे लोग के साथ मैंने हम लोग तो कष्ट झेल रहे हैं, मगर मेरे साथ साथ बच्चे लोग घर में माँ बाप है, वो लोग भी परेशानी भूखा है। ऐसा ऐसा लोग यहाँ हम लोग हैं सर कि डेली मजदूरी करते हैं तो मेरा चूल्हा जलता है, अगर नहीं मजदूरी करेंगे तो मेरा चूल्हा एकदम बंद हो जाता है। ऐसा नतीजा में हम लोग काम करते हुए फिर यही मैनेजर हम लोग को आश्वासन दे दे के काम करवाया कि नहीं आपका 5 तारीख मिलेगा, 10 तारीख मिलेगा, 15 तारीख मिलेगा, ऐसे ऐसे करके 6 महीना हम लोग काम कर चुके हैं। जब लास्ट में हम लोग लावारिस हो गया, जंगल में टावर का काम तो होता ही है, अब लास्ट मजबूरी खाने का कोई साधन नहीं मिलने लगा था, लास्ट में स्टोर में आप हम लोग धरना कर दिए और मैंने यहाँ से हम लोग को पेमेंट मिला था। अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो इसमें हम लोग आगे कार्रवाई की ओर जाएंगे, थाना को सूचना देंगे कि हम लोग को करने की आप लोग का मंशा है। यही जो सिस्टम है मैंने विभाग के द्वारा हम लोग को जो सहारा मिल सकता है उसी को सहारा लेंगे। पेमेंट नहीं मिल रहा है तो आप क्या कार्रवाई कीजिएगा? थाना को सूचना देंगे सर जी, और थाना सूचना देके वो क्या का सहारा लेंगे? कानून का सहारा लेंगे सर। हम तो ले आप लोग यहाँ 24 है सर, बाकी ऐसे मैंने यहाँ का स्थिति हम लोग तो 40 थे, स्थिति देख के बाकी जैसे तैसे करके मैंने घर चला गया सर, यहाँ का सिचुएशन बहुत ख़राब होने के कारण। इस पर क्या करना है और क्या मांग है? नहीं सर, मांग हमारा ये है कि हमने 6 महीना से काम कर रहे हैं, 5वां बिल मेरा बन गया है, जो आज तक एक भी बिल पेमेंट नहीं हुआ है, हमारे पर मजदूर जो हैं हावी हो रहे हैं। अब भाई 6 महीना हो गया है, किसी को हम लाए हैं काम कराने के लिए तो उसको पेमेंट ना देंगे तो उसका क्या होगा? सबकी बाल बच्चा सबकी ये है ना भाई, सबकी सोच समान है, तो इसलिए हमने सब लेबर को ला करके स्टोर में ला करके रख दिए कि जब तक हमारा पेमेंट नहीं होता है अगला कोई काम नहीं होगा। कंपनी के द्वारा क्या बात कहा गया है काम को लेकर? कंपनी के द्वारा बोला गया था सर कि बिल बनने से आपको 45 दिन के अंदर पेमेंट हो जाएगा। अब तक कितना पेमेंट हुआ? अब तक मेरे पेमेंट फर्स्ट पहला बिल के अगेंस्ट में 1,91,000 रुपया अभी तक हमें मिला है, 5वां बिल के अगेंस्ट में लगभग हमने 25 लाख का काम कर चुके हैं। कितना परसेंट काम हुआ है लगभग पूरे क्षेत्र में? क्षेत्र में लगभग 40% काम हो चुका है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ बंधन महतो, पिता का नाम स्वर्गीय बालो महतो, निवास स्थान ग्राम खरना पोस्ट विष्णुगढ़ थाना विष्णुगढ़ जिला हजारीबाग के स्थानीय निवासी हूँ। पोस्ट हमारा है कि हमने भी एक क्या है पेटी कॉन्ट्रेक्टर हम हैं कंपनी में। नहीं नहीं नहीं, खुद का मेरा ये है। अच्छा, धर्मेंद्र कंस्ट्रक्शन के नाम से हमने काम करते हैं, हमने एक क्या ऑथराइज सेक्रेटरी हैं धर्मेंद्र कंस्ट्रक्शन का।
महीना से यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक। धर्मेंद्र कंस्ट्रक्शन के नाम से हमारा उचल रहा है। उसके बाद हम लोग को बोलते हैं कि 5 तारीख को मिलेगा, 10 तारीख को मिलेगा, 15 तारीख को पेमेंट मिलेगा। हम लोग पहले तो 35-40 लोग थे, धीरे धीरे करके कि भाई कंपनी पेमेंट नहीं कर रही, तो आदमी धीरे धीरे करके भागते चला गया हमारा। आज के डेट में हम लोग 24 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग को अभी भी साहब बोले थे कि हाँ 5 तारीख को होगा, फिर बोले 15 तारीख को हो गया, आज हमारा 19 तारीख हो गया। जब पेमेंट नहीं मिला, हम लोग को खाने के लिए भी कुछ नहीं है, जंगल में रहते हैं वहाँ पे भी, ऐसे हम लोग मतलब जो है राशन वासन का कुछ व्यवस्था नहीं था, इसलिए हम लोग आकर के स्टोर में रुक गए, स्टोर में ही रुके हुए हैं। जब भर हमारा पेमेंट नहीं होगा, तब भर हम लोग स्टोर में ही रहेंगे, काम करने के लिए कहीं भी नहीं जाएंगे। अगर ऐसा भी होता है भाई, नहीं सुना जाएगा, थाने का सहारा लेंगे, या तो फिर जैसे मीडिया वगैरह सहारा लेकर के भाई हम लोग का कुछ सोल्यूशन निकाला जाए, हम लोग को पेमेंट कराया जाए। क्या नाम? मेरा नाम विनय सिंह उर्फ वीरेन सिंह, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। क्या कर रहे हैं? बस वही सर, काम करते ही सब मतलब साथ साथ में। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।